क्या खबर लाए हो मेरे रिपोर्टर साहब? खबर ही तो इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा हूँ छोटी सासू जी। जरा रोहन का चेहरा देखिए, ऐसा लगता है जैसे बहुत जल्द कोई चटपटी खबर आने वाली है। इंसान जब अपने पास्ट और प्रेजेंट के बीच में पिसता रहता है ना, तो वाकई में बड़ी दया आती है। चलिए। वाओ, क्या कमाल दी खुशबू है हलवे दी। खुशबू तो मुझे भी बहुत अच्छी आ रही है, अब मिठास कैसी है ये तो चखने पर ही पता चलेगा ना मदर इन लॉ। माय डियर डॉटर इन लॉ, हलवे की मिठास चीनी से नहीं होती, बल्कि हलवे की मिठास प्यार से होती है। एंड आई टेल यू, ये हलवा तो बहुत ही मीठा होगा। यू वेट। कमॉन स्वीराल, आई एम जोकिंग, कोई हलवा तो बड़ा ही यमी शमी बना है। सिमरन बेटा, पहली बार घर की जिम्मेदारी संभाल रही हो, ये मेरी तरफ से नेकी है तेरे लिए। खुश रह बेटा। रोहन? जी मामा। टेस्ट करके बताओगी नहीं सिमरन को हलवा कैसे बना है? फिर गलती? अब कौन सी परंपरा टूट गई खानदान की? खानदान की ना सही, पर दिल की परंपरा तो जरूर तोड़ रहा है रुहान। आई मीन, इस घर में पहली बार दुल्हन ने कुछ बनाया है और दूल्हे को अपने हाथों से ना खिलाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? नहीं चाची, मैं खुद खा लूंगा। ये क्या बात हुई, तू तो लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। हाँ सिमी बेटा जा। निरंजन, टिकट्स तो आ गई है ना? जी भाई साहब। ये कौन सी टिकट्स की बात हो रही है? हाँ कान खोल के सुन लो सब लोग, कोई कहीं नहीं जाएगा। बेबे, हम में से कोई कहीं नहीं जा रहा, लेकिन रोहन और सिमरन को हनीमून पर जाने से तो कोई रोक नहीं सकता। अरे भाई, बाली के लिए बुकिंग करवाई हमने।